कानपुर देहात के ही थाना मूसा नगर YSTF की संयुक्त टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष मूसा नगर के नेतृत्व में थाना मूसा नगर की पुलिस टीम एवं STF टीम के संयुक्त अभियान में अवैध शराब के निर्माण के रोकथाम हेतु मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11/12/2021 को कृपालपुर मोड़ मूसा नगर से दो अभियुक्त कर आकाश व अमन शर्मा को समय करीब 1:45 रात्रि पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के पास से अवैध अंग्रेजी शराब 750 ml की 336 बोतलें व 180 ml की 87 पेटी ब्रांड नाइट ब्लू एक अदद पिकअप नंबर UP19T0492 में बिल्टी व नगद 8300 रुपए व 2 अदद मोबाइल बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा मुआवजा संख्या 164/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420, 467, 468, 471, 434, 34B, 2 थाना मूसा नगर कानपुर देहात में पंजीकृत किया गया। सर, आज कानपुर देहात पुलिस को एक कामयाबी मिली है, भारी मात्रा में शराब के साथ कुछ शराब तस्कर पकड़े हैं, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की है? अवैध शराब के निर्माण और उसके अवैध परिवहन के विरुद्ध जनपद पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मोटानगर की पुलिस टीम ने STF के इनपुट के आधार पर दो अभियुक्तों को पकड़ा जो एक पिकअप में भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के पास से जो बरामद शराब है उसमें 750 ml की 336 बोतलें और 180 ml की 87 पेटियां यानी कि लगभग 4000 से अधिक बोतलें उसमें मौजूद थी। तो यह एक